आइजन वैल्यूज एंड वेक्टर्स वीडियो नंबर 9। वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग कुछ खास बात पढ़ेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो चूंकि ये जो आइजन वेक्टर्स होते हैं ये भी मैट्रिक्स होते हैं ना, ये कॉलम मैट्रिक्स होते हैं, तो वही डिफिनेशन यहाँ भी लिखा हुआ है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, मैट्रिक्स ने लिख के उसको वेक्टर लिख दिए। टू वेक्टर्स कैपिटल एक्स वन एंड कैपिटल एक्स टू आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इफ एक्स वन स्टार एक्स टू इक्वल टू एक्स टू स्टार एक्स वन एंड बोथ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये तो डेफिनेशन है। और इसके बाद अब ये थ्योरम है। एनी टू आइजन वेक्टर्स करेस्पॉन्डिंग टू टू डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिटियन मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। ये थ्योरम, आइए इसको हम लोग प्रूव करें। प्रूफ, पहले तो एक हर्मिटियन मैट्रिक्स कंसीडर किया जाए। लेट कैपिटल ए बी अ हर्मिटियन मैट्रिक्स। देन एट स्टार इक्वल टू ए, यानी एट ट्रांजुगेट इक्वल टू ए, नंबर वन। लेट टू आइजन वेक्टर्स कैपिटल एक्स वन एंड कैपिटल एक्स टू बी, अब टू वर्ड न लिख करके सिर्फ लिखो बी आइजन वेक्टर्स करिस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज Distinct eigen values lambda 1 and lambda 2 of capital A, then by definition AX1 equal to lambda 1 X1 comma AX2 equal to lambda 2 X2। दोनों को सामूहिक रूप से नंबरिंग कर दिया हमने। नंबर टू, वी हैव टू प्रूव दैट एक्स वन एंड एक्स टू आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। वी हैव टू प्रूव दैट X1 and X2 are orthogonal to each other। ये पूरी भूमिका हमने लिख दिया। अब टेक्निकली आगे बढ़ेंगे हम लोग। इक्वेशन नंबर टू में दो रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, तो क्या करना है? पहले में एक्स टू स्टार से प्री मल्टीप्लाई कर देना है, दूसरे में एक्स वन स्टार से प्री मल्टीप्लाई कर देना है। प्री मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट्स ऑफ टू बाय पहले में x2 स्टार से, दूसरे में x1 स्टार से रेस्पेक्टिवली। वी गेट x2 स्टार ए एक्स वन इक्वल टू एक्स टू स्टार लेमडा वन एक्स वन
comma x1 star a x2 equal to x1 star star मने ट्रांजुगेट लेमडा टू x2 implies that x2 star a x1 ये लेमडा स्केलर है ना तो बाहर आ जाएगा से लेमडा वन उसके बाद बगल में लिख दो x2 star x1 कॉमन ऐसे इसको सिंप्लीफाई करो x1 star a x2 इक्वल टू लेमडा टू x1 star x2 इस रिजल्ट को अब नहीं छूना है इसको लेकिन इसमें क्या करना है दोनों तरफ ट्रांजुगेट ले लेना है इम्प्लाइज दैट x2 star a x1 होल स्टार इक्वल्स टू लेमडा वन x2 star x1 होल स्टार कामा दूसरे वाले को कुछ टच ही नहीं करना ऐसे ढोते चलना x1 star a x2 इक्वल टू लेमडा टू x1 star x2 ए ट्रांजुगेट में रेसिप्रोकल रूल लगता है उल्टा खुलता है इम्प्लाइज दैट इसका स्टार फिर इसका स्टार फिर इसका स्टार x1 स्टार a स्टार x2 डबल स्टार बराबर लेमडा वन बार इनटू इस पूरे का स्टार तो इस पूरे का स्टार हो जाएगा लेमडा वन स्टार लेमडा टू डबल स्टार इसको ज्यो का त्यों उतारिए x1 ट्रांजुगेट a x2 इक्वल टू लेमडा टू x1 ट्रांजुगेट x2 ऐसा चूंकि a हर्मिटियन है इसलिए a स्टार a के बराबर होगा और किसी भी मैट्रिक्स का डबल स्टार उसी के बराबर होता है तो ये सब रिजल्ट लगाते हुए इम्प्लाइज दैट x1 स्टार a x2 इक्वल टू लेमडा वन x1 स्टार x2 कामा और ये ज्यों का त्यों लेमडा वन स्टार ए x2 इक्वल टू लेमडा टू x1 स्टार x2 यहाँ पे लॉजिक लिखना होगा लॉजिक लिखना होगा पहला तो ये कि सिंस ए इज हर्मिटियन इसलिए ए स्टार की जगह ए लिख दिया गया ए इज हर्मिटियन कामा दूसरा हर्मिटियन भाई स्पेलिंग सही करो हर्मिटियन कामा दूसरा आइजन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिटियन मैट्रिक्स आर रियल ये आप पढ़ चुके हैं आइजन वैल्यूज माने कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ हर्मिटियन मैट्रिक्स ऑफ अ हर्मिटियन मैट्रिक्स आर रियल तभी तो लेमडा वन कंजुगेट को लेमडा वन हमने लिख दिया अब ध्यान से इन दोनों रिजल्ट्स को देखिए दोनों रिजल्ट्स में लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना एक्स वन स्टार ए एक्स टू एक्स वन स्टार ए एक्स टू तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करिए implies that थोड़ा सा ऐसे ना लिख के अगर हम ऐसे लिखें equating तो अच्छा लगेगा equating right hand sides of both the results क्योंकि left hand sides दोनों के बराबर है we have लेमडा वन एक्स वन स्टार एक्स टू इक्वल्स टू लेमडा टू एक्स वन स्टार एक्स टू वही
हाँ ठीक तो है, सही है, एक्स वन स्टार एक्स टू, एक साइड में ले चलेंगे तो जाएगा लेमडा वन माइनस लेमडा टू एक्स वन स्टार एक्स टू इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, चूंकि लेमडा वन लेमडा टू डिस्टिंक्ट हैं तो ये नॉन जीरो डिफरेंस हुआ तो इसे जीरो होना पड़ेगा, इम्प्लाइज दैट एक्स वन स्टार एक्स टू इक्वल्स टू जीरो। एक रिजल्ट ये आ गया, इस पर नंबर नहीं डाल रहे, हाईलाइटर लगा दे रहा। फिर शुरू करिए जहां से स्टार्ट किए थे, नंबर टू से। नंबर टू से अगेन फ्रॉम टू, टू को देखिए उसमें हम लोग प्री मल्टीप्लाई किए थे किससे, एक्स टू स्टार से पहले में, एक्स वन स्टार से दूसरे में। एक्स टू स्टार ए एक्स वन इक्वल टू एक्स टू स्टार लैम्डा वन एक्स वन, ये था ना, और दूसरे में एक्स वन स्टार से प्री मल्टीप्लाई किए थे, एक्स वन स्टार ए एक्स टू इक्वल टू एक्स वन स्टार लेमडा टू एक्स टू। फिर क्या किए थे, दूसरा रिजल्ट को एज इट इज रखे थे और इसमें दोनों साइड में हम स्टार ले लिए थे ट्रांजुगेट, तो अब की बार भूमिकाएं बदल दो, इसे ऐसे ही रखो, इसे दोनों तरफ स्टारिंग कर लो, इंप्लाइज दैट एक्स टू स्टार ए एक्स वन इक्वल्स टू लेमडा वन एक्स टू स्टार एक्स वन कामा, दोनों तरफ कंजुगेट ले लो, एक्स वन स्टार ए एक्स टू होल कंजुगेट में सॉरी ट्रांजुगेट इक्वल्स टू, एक तो लेमडा टू किनारे आ जाएगा, लेमडा टू एक्स वन स्टार एक्स टू होल ट्रांजुगेट, इसको ऐसे ही ढोते ही रहिए और इसे सिंप्लीफाई करते रहिए। एक्स टू स्टार ए एक्स वन इक्वल टू लेमडा वन एक्स टू स्टार एक्स वन कामा, उल्टा खोलिए, एक्स टू स्टार ए स्टार एक्स वन डबल स्टार इक्वल्स टू लेमडा टू बार एक्स टू स्टार एक्स वन डबल स्टार, इसको ऐसे ही ढोइए, इम्प्लाइज दैट एक्स टू स्टार ए एक्स वन इक्वल टू लेमडा वन एक्स टू स्टार एक्स वन, एक्स टू स्टार ए स्टार की जगह ए लिखिए क्योंकि ए हर्मिटियन है, एक्स वन डबल स्टार एक्स वन हो जाएगा इक्वल टू लेमडा टू का कंजुगेट लेमडा टू होगा क्योंकि हर्मिटियन मैट्रिक्स के सारे आइजन वैल्यूज रियल होते हैं, एक्स टू स्टार एक्स वन। यहाँ पे हम लॉजिक ऐसे लिख देना चाहते हैं, सिंस लेमडा टू इज रियल ऐसा, ड्यू टू बीइंग एन आइजन वैल्यू ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब इन दोनों रिजल्ट्स को गौर से देखिए, इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, एक्स टू स्टार ए एक्स वन एक्स टू स्टार ए एक्स वन, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करिए, इक्वेटिंग राइट हैंड साइड ऑफ द ऑफ बोथ द रिजल्ट वी हैव लेमडा वन एक्स टू स्टार एक्स वन इक्वल्स टू लेमडा टू एक्स टू स्टार एक्स वन, इंप्लाइज दैट लेमडा वन माइनस लेमडा टू एक्स टू स्टार एक्स वन इक्वल टू नल मैट्रिक्स, चूंकि लेमडा वन लेमडा टू डिस्टिंक्ट हैं इसलिए लेमडा वन माइनस लेमडा टू जीरो नहीं होगा, इसलिए एक्स टू स्टार एक्स वन को जीरो होना पड़ेगा नल मैट्रिक्स। दूसरा रिजल्ट ये, प्रूफ कंप्लीट हो गया। फाइनली वी हैव, अंततः हमारे पास है, पहला वाला जो हाईलाइटर लगाए थे वो था एक्स वन स्टार एक्स टू इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स
और अब की बार आया है एक्स टू स्टार एक्स वन इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स. दिस इंप्लाइज दैट एक्स वन एंड एक्स टू आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. ऑर्थोगोनल टू ईच अदर भैया यही प्रूव करना था. इसी प्रकार से ना यूनिटरी मैट्रिक्स के भी होते हैं. अभी तो हम लोग हर्मिटियन के पढ़े हैं ना कि हर्मिटियन मैट्रिक्स के जो डिस्टिंक्ट आइजन वेक्टर्स हैं, डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज के करिस्पॉन्डिंग वो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होते हैं. अब ये चीज हम यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए पढ़ने जा रहे हैं. नेक्स्ट थ्योरम नंबर टू. Any two eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues distinct eigen values of a unitary matrix are orthogonal to each other. Yes. पिछले वाले थ्योरम में अगर एक रिजल्ट हम शुरू में लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता. वी नो दैट आइजन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिटियन मैट्रिसेस आर रियल. वो इस बार हम करेंगे. इस बार लिखने की स्टाइल में थोड़ा सा सुधार करेंगे. प्रूफ. लेट कैपिटल ए बी अ यूनिटरी मैट्रिक्स लेट कैपिटल एक्स वन एंड कैपिटल एक्स टू बी आइजन वेक्टर्स करिस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लैम्डा वन एंड लैम्डा टू रेस्पेक्टिवली किस मैट्रिक्स के ऑफ ए. वी नो दैट आइगन वैल्यूज of a unitary matrix are unimodular. Thus we have अब इसके बाद असल में ना अच्छा नहीं लग रहा लिखना. यहीं पर हमको वे चीज लिख दें तब इसको लिखें. वी नो दैट तो कहीं भी हम फिक्स करके चिपका सकते हैं ना. अब ये सब मानने उनने के बाद आप डेफिनेशन की मदद से लिख दीजिए. देन ए एक्स वन इक्वल टू लेमडा वन एक्स वन कामा ए एक्स टू इक्वल टू लेमडा टू एक्स टू नंबर वन. अब वो वी नो दैट वाला लिखिए. वी नो दैट गणित को लिखना भी एक आर्ट ही है भाई. आर्ट स्किल है. आर्ट क्या कहें.
we know that eigen values of a unitary matrix are unimodular. Thus we have mod lambda 1 equal to 1 comma mod lambda 2 also equals to 1, इसे कर दीजिए नंबर 2. इसके बाद नाउ ए एक्स टू इक्वल टू लेमडा टू एक्स टू, ये वाला उठाया, दोनों तरफ ट्रांजुगेट ले लो, ए एक्स टू होल ट्रांजुगेट इक्वल टू लेमडा टू एक्स टू होल ट्रांजुगेट implies that x2 transjugate a transjugate equal to lambda 2 bar x2 transjugate number 3. देखो करना ये है, इसको ला करके इधर से भिड़ा देना है. तो क्या लिखें, प्री मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 1 बाई 3, ऐसा लिखें, और बेहतर है या तो हम ऐसा लिखें फ्रॉम 1 एंड 3. हाँ लिखने के सबूर है, जैसे लिखो इसे, पहले इसको लिख दिया जाए एक्स टू स्टार ए स्टार इक्वल्स टू लेमडा टू बार एक्स टू स्टार कामा, फिर ये वाला लिखिए ए एक्स वन इक्वल टू लेमडा वन एक्स वन. अब ऐसे गुणा कर दीजिए, इंप्लाइज दैट एक्स टू स्टार ए स्टार इंटू ए एक्स वन इक्वल टू लेमडा टू बार एक्स टू स्टार लेमडा वन एक्स वन इंप्लाइज दैट एक्स टू स्टार आई एक्स वन इक्वल्स टू लेमडा वन लेमडा टू बार एक्स टू स्टार एक्स वन. कारण लिखिए, सिंस ए स्टार ए इक्वल्स टू आई एज ए इज यूनिटरी, यूनिटरी का डेफिनेशन याद है ना, ए यूनिटरी तब होगा जब ए स्टार ए और ए ए स्टार दोनों की वैल्यू आई हो. बाई तरफ आई एक्स वन बराबर हो जाएगा एक्स वन, तो इसको लिख दीजिए एक्स टू स्टार एक्स वन इक्वल टू लेमडा वन लेमडा टू बार एक्स टू स्टार एक्स वन. ऐसे ही एक काम और हो सकता है, जैसे कि आपने इसको उठाया, देखो ध्यान से, दोनों तरफ ट्रांजुगेट ले लिया, फिर जो आया उसको इसमें भिड़ा दिया. तो यही काम हम कर सकते थे कि इसको उठाइए, दोनों तरफ ट्रांजुगेट ले लीजिए, जो आए उसको इधर भिड़ा दीजिए. तो आप लोग नोट कर लो, तो फिर हम पूरा नहीं मिटा रहे हैं. नंबरिंग हम 3 तक कर चुके हैं, पहली बात तो ये दिमाग में रखा जाए. और ये जो रिजल्ट है नंबर 1, इसकी जरूरत हमको अभी थोड़ी देर बाद फिर पड़ेगी, तो हम इसको जो है कहीं नोट कर लें. ए एक्स वन इक्वल टू लेमडा वन एक्स वन कामा ए एक्स टू इक्वल टू लेमडा टू एक्स टू, ये है नंबर 1, इसे अलग कर दिया हमने. ठीक है भाई, इसको भी मिटा दे रहा हूं. अब आप गौर से देखें, आपके हाथ में जो रिजल्ट इस समय है, जो आपके हाथ में इस समय रिजल्ट है, ये एक्स टू स्टार एक्स वन एक्स टू स्टार एक्स वन, तो उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट 1 माइनस लेमडा वन लेमडा टू बार एक्स टू स्टार एक्स वन इक्वल टू नल मैट्रिक्स. ऐसा ठीक है.
ठीक है ना। ये अब यहां थोड़ी सी चतुराई की जाएगी, इंप्लाइज दैट वन को लिखा जाएगा लेमडा टू बार माइनस लेमडा वन लेमडा टू बार, ये वाला, और एक्स टू है भैया ये एक्स टू स्टार एक्स वन इक्वल टू नल मैट्रिक्स। बहुत जबरदस्त मैनिपुलेशन यहां किया गया है, सिंस लेमडा टू बार बराबर होता है मॉड लेमडा टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। यूनिमॉडुलर की बात हो चुकी है ना, इंप्लाइज दैट लेमडा टू बार कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया लेमडा टू माइनस लेमडा वन एक्स टू स्टार एक्स वन इक्वल टू जीरो। तो ये जो आइजन वैल्यूज है ये जीरो है नहीं, और लेमडा वन लेमडा टू आपस में इक्वल नहीं है, तो ये डिफरेंस नॉन जीरो हुआ, तो इसी को सही होना पड़ेगा। इंप्लाइज दैट एक्स टू स्टार एक्स वन इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये एक रिजल्ट आया, नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, हाईलाइटर लगा दे रहा हूँ। अब फिर पकड़िए, पुनः एक से अगेन फ्रॉम वन, अगेन फ्रॉम वन कामा, पहले आप वन का दूसरा रिजल्ट लिए थे, अब पहला लीजिए ए एक्स वन इक्वल टू लेमडा वन एक्स वन, दोनों तरफ ट्रांजुगेट निकालिए, ए एक्स वन होल ट्रांजुगेट इक्वल टू लेमडा वन एक्स वन होल ट्रांजुगेट, इंप्लाइज दैट एक्स वन ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट इक्वल टू लेमडा वन बार एक्स वन ट्रांजुगेट नंबर चार। अब क्या करें, अब इससे इसके इधर गुणा करना है, नहीं नंबर टू में करें ना, हाँ फ्रॉम वन एंड फोर, फ्रॉम वन एंड फोर कॉमा, पहले हम इसको लिख रहे हैं तो फ्रॉम फोर एंड वन करते रहे, जो पहले लिखे उसका नाम पहले ले लें, तो फोर को पहले लिख रहा है एक्स वन स्टार ए स्टार इक्वल टू लेमडा वन बार एक्स वन स्टार कामा, और वन का कौन सा लेना है, दूसरा वाला ए एक्स टू इक्वल टू लेमडा टू एक्स टू, इनको भिड़ा दीजिए, इसको ले आकर के यहाँ भिड़ाइए, इसको ले आकर के यहाँ इधर से, इंप्लाइज दैट एक्स वन स्टार ए एक्स टू इक्वल्स टू लेमडा वन बार लेमडा टू एक्स वन स्टार एक्स टू, इसकी जगह पे हो जाएगा आई, इंप्लाइज दैट एक्स वन स्टार कैपिटल आई एक्स टू इक्वल टू लेमडा वन बार लेमडा टू एक्स वन स्टार एक्स टू। लॉजिक लिखिए, सिंस ए स्टार ए इक्वल टू आई एज ए इज यूनिटरी, ए इज यूनिटरी, फिर आई एक्स टू को एक्स टू लिख दो, इंप्लाइज दैट एक्स वन स्टार एक्स टू इक्वल्स टू लेमडा वन बार लेमडा टू एक्स वन स्टार एक्स टू, एक्स वन स्टार एक्स टू इधर भी है, एक्स वन स्टार एक्स टू इधर भी है, तो एक ही तरफ सबको कर दो तो ऐसा ही फिर आ जाएगा। ध्यान से देख लो फिर आगे बढ़े। इंप्लाइज दैट वन माइनस लेमडा वन बार लेमडा टू, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई एक्स वन स्टार एक्स टू इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। वन को हम यहां पे लिख दे रहे हैं लेमडा वन बार माइनस लेमडा वन बार लेमडा टू एक्स वन स्टार एक्स टू इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। लॉजिक लिखिए, बहुत बढ़िया लॉजिक,
since lambda 1 bar equal to mod lambda 1 whole square equal to 1 square equal to 1. Unitary matrix के आइजन वैल्यूज यूनिमॉडुलर होते हैं. अब क्या होगा भाई, लेमडा वन स्टार कॉमन हो गया, लेमडा वन माइनस लेमडा टू इंटू एक्स वन स्टार एक्स टू इक्वल टू नल मैट्रिक्स. लेमडा वन लेमडा टू डिस्टिंक्ट है इसलिए ये डिफरेंस नॉन जीरो होगा, तो इसे ही जीरो होना पड़ेगा. इम्प्लाइज दैट एक्स वन स्टार एक्स टू इक्वल टू नल मैट्रिक्स. इस पर हाईलाइटर लगा दिया. तो ये रिजल्ट मिल करके आपको बता देंगे कि एक्स वन एक्स टू ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है. अब हम लिख रहे हैं दस वी है एक्स वन स्टार एक्स टू इक्वल टू नल मैट्रिक्स इक्वल टू एक्स टू स्टार एक्स वन. एंड दिस इंप्लाइज दैट एक्स वन एंड एक्स टू आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. इस वीडियो को यहीं पे समेटते हैं. आधा घंटा निश्चित रूप से हो गया होगा. थैंक यू वेरी मच. वीडियो को लाइक ज़रूर करिए.